देखो डर रही हो तो। बहुत सारे दोस्तों की ये कमेंट थी कि जगदीश भाई अपनी गौरी जो है कितना दूध देती है। अब ज्यादा दिन जो है कि अपनी काबरी नहीं लेंगे पे, काबरी जो है कि बहुत जल्दी बच्चा दे देंगे पे। पहली बार जो है कि मैं महेश भाई और बा भरने के लिए जा रहा हूँ। कौन सी गाय छूट गई माँ? मेहनत बैठी ने दोस्तों, आज देंगी कल देंगी, आज देंगी कल देंगी, करते करते जो है कि बहुत दिन बीत चुके हैं। ऐसा समझो कि 15 दिन हो गए हैं दोस्तों, तब से वेट कर रहे हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई रात में ये बच्चा दे देंगी, क्योंकि आज जो है कि उठक बैठक कर रही है, तो ये आज दे देंगी बच्चा। कौन सी गाय छूट गई माँ? अनंत बहन जो मेहनत बैठी ने किधर है? मैं सो गया था दोस्तों, फालतू में जो है कि इधर आके देखा, मैंने बोला क्या हो रहा है, तो मम्मी जो है कि गाय बांध रही थी, फालतू में जो है कि डांट लगा दी मेरे को। फालतू तो नहीं बोल सकते क्योंकि गलती मेरी ही है, क्योंकि मैं जो भी गाय बांधता हूँ ना, ऐसा समझो कि आज मैंने 10 गाय को बांधा है, तो उसमें से 2 गाय जो है कि डेफिनेटली रात को छूटना ही छूटना है। हरी भाई, महेश भाई, सुरेश भाई बांधते तो नहीं छूटते, लेकिन पता नहीं मैं यार 10-15 गाय अगर मैंने बांध दिया, उसमें से 2 गाय फाइनल छूट जाती है, तो मम्मी इसकी वजह से मेरे को डांट रहे थे कि तेरा ही काम होगा, तू नहीं बांधा होगा, तब जाके ये खुल गई है। मैंने बोला होगा। चलो चलो दोस्तों, अभी जो है कि सो जाते हैं, आपको मिलते हैं सीधे सुबह। अरे छोड़, ए लालू, अरे आज की रात भी दोस्तों बीत गई, लेकिन अभी तक जो है कि हमारी गाय ने बच्चा नहीं दिया है, लेकिन बस अभी मुझे लग रहा है कि भाई 9-10 बजे तक दे देंगी। चलो दोस्तों, तभी जो है कि मिल्किंग वगैरह, अरे तेरी वजह से मेरे को लात पड़ेंगी लाले, मिल्किंग वगैरह करना है, फटाफट से मिल्किंग कर लेते हैं, क्योंकि सुरेश भाई जो है कि अभी तक आया नहीं है, वो गया है पोपट मामा के भैंस की मिल्किंग करने के लिए, आगे बहुत सारा काम है। चलो फटाफट से मिल्किंग करने के बाद मिलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो, क्या हम सब, आई होप आप सब मौज में हो, मैं एकदम मौज में हूँ। तो फिलहाल जो है कि मिल्किंग वगैरह हो गई है मेरे हिस्से की, बाकी जो है कि मिल्किंग सबकी चालू है। सूरज भाई हरी भाई गए हैं पत्ती भरने के लिए, सूरज भाई गया था पोपट मामा के वहाँ पे, वहाँ से सीधा गया है पत्ती भरने के लिए, अभी तक आया नहीं है, और आज हमें भी जाना है अपने प्याज की पत्ती भरने के लिए, लेकिन ट्रैक्टर जो है कि हमारा अभी गया है गन्ने की पत्ती भरने के लिए, गन्ने की पत्ती भर के आने के बाद जाने वाला है फ्लावर की पत्ती भरने के लिए। तो अपनी प्याज की पत्ती किसमें भर के लाएंगे? पोपट मामा की गाड़ी में। सूरज भाई को मैंने कॉल करके बोल दिया है कि पोपट मामा की गाड़ी लेके आ जा। पोपट मामा को बिल्कुल हमने पूछा नहीं कि पोपट मामा हम आपकी गाड़ी लेके जा रहे, क्योंकि मामा यहाँ है ही नहीं, वैसे मामा कुछ बोलते हैं नहीं। तो अभी सुरेश भाई जो है कि बोलेरो इधर लेके आएंगे, फिर चलते हैं पत्ती भरने के लिए। पत्ती भरने के लिए जाने वाले हैं मैं, महेश भाई और मम्मी, क्योंकि सुरेश भाई हरी भाई दोनों तो जाएंगे मार्केट, तो फिर हम तीनों जाके अपने प्याज की पत्ती भर के आएंगे। प्याज की फसल जो है अभी निकलना स्टार्ट हो गई है, तो दूसरा एक खेत निकला है, पहले एक खेत जो है कि हमने गाय को चरा दिया, अभी दूसरा जो खेत है उसमें बहुत सारी पत्ती पड़ी है, तो बोले लेके जाओ, मैंने बोला ठीक है, तो चलो आज लेके आएंगे। बहुत सारे दोस्तों की ये कमेंट थी कि जगदीश भाई अपनी गौरी जो है कि कितना दूध देती है, तो फिलहाल जो है कि दोस्तों गौरी जो है कि अभी फिलहाल तो दूध कम देती है, क्योंकि प्रॉब्लम उसको ये हो गया, देखिए वो अगले वाला आँचल जो है ना भाई, उसको आँचल में एक गांठ आ गई है जो कि दूध ही नीचे नहीं आने दे रही। उस दिन डॉक्टर बुलाया था, तो डॉक्टर बोले अगर आंचल के मुंह में होता तो उसको काट के निकाल लेते, लेकिन वो बहुत अंदर है तो उसको निकालना मुश्किल है बोले, तो ट्राई कर रहे हैं, दवा वगैरह दी है, देखते हैं अगले वाला आंचल ठीक होता है या नहीं। बाकी हमारी जो गौरी है वो बीमार पड़ गई थी, अभी जो है कि हालांकि ठीक है, लेकिन बहुत दुबली पड़ गई इसकी वजह से, क्योंकि बीमार पड़ गई थी 2-4 दिन जो है कि उसने कुछ खाया नहीं है अभी तक मिल्किंग, बाकी सूरज भाई के अलावा जो है कि मिल्किंग करने भी नहीं देती है, तो वो एक बाकी है। बाकी इधर जो है कि सब मिल्किंग वगैरह सब हो गया है, और इधर है पोपट मामा की गाय, इसकी भी मिल्किंग करना बाकी है, अभी जो है कि वो पास जाने देती है, पहले तो इतना पास नहीं जाने देती, अभी देखो पास जाने देती है, ऐसा अभी कुछ करती है ना, इसने या दूसरी, ये दोनों ने जो है कि 5-6 दिन हमें उनके पास जाने उन्हें दिया है, और ये जो है कि उसका प्यारा सा बछड़ा है, बहुत प्यारा सा बछड़ा है, और ये भी अपना
घोटिया का ही अपने लाडो जो है उसको बांध दिया है अंदर। अंदर बांधने की वजह है कि बाहर जगह है नहीं, क्योंकि मामा के पांच गाय आगे है, पांच छह गाय। मामा की जर्सी जो है कि उसको वो साइड बांध दिया है। और सबसे खतरनाक गाय जो है कि मामा की ये है, सबसे भाई एकदम जबरदस्त गाय ये है भाई, किसी को पास जाने नहीं देती है। यहाँ पे है अपनी कुट्टी, कुट्टी जो है कि अभी ठीक हो गई है। आज क्यों गोल गोल घूम रही भाई तू? ओके घूमना नहीं है फिलहाल। जो है कि अपनी कुट्टी जो है वो हो गई है ठीक, हालांकि अभी उसका असर है, डॉक्टर साहब ने बोला है कभी भी फिर से हो सकता है, लेकिन अभी एकदम बिल्कुल ठीक है। मस्त फैमिली के हो गया पूरा। और इसका भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये लगभग 100% आज शाम तक बच्चा दे ही देंगी, शाम से पहले दे देंगी, लेकिन शाम तक दे देंगी फाइनल। मस्त भाई इसको पकड़ दो। अभी जो है कि मिल्किंग को इतना नाटक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मिल्किंग हमें तो नहीं करने देंगे। पहले जो है कि नाटक करते थे, लात मारते थे, अभी नहीं ऐसा करते। ऐसा पकड़ के रखो उसको। मारने के लिए जा रही है, उसकी आदत बहुत खराब है भाई। ए? ये तीन तीन लोग बैठते हैं तब जाके इसकी मिल्किंग होती है। चाय दूध पीते हैं, रेडी होते हैं, तब तक सूरज भाई आ जाएगा। पशुवार जो है कि उसको 6-7 दिन से स्टार्ट कर दिया है। ओके अपना लीलडा वहाँ पे है। बहुत सारे दोस्तों की ये कमेंट थी कि जगदीश भाई अपना लीलडा की जो है कि सूरज भाई के साथ बैट लगाई है, अब जो है कि उस पर ध्यान दो। दोस्तों टेंशन ना लो, 1.5 महीना है, मुझे विश्वास है कि अपना लीलडा जो है वो ब्रीडिंग करेगा। ए ब्यूटी अल अल अल, अबे गिर जाएंगी यार। अच्छा क्या गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, जो भी हो, आपका अगर उसके प्रति लगाव है, आप आवाज दोगे वो भागते आएंगी। अभी तक जो है कि सूरज भाई आया नहीं है और बहुत धूप हो गया है, तो फिलहाल जो है कि अभी मैं और स्वयं दोनों धूप सेक रहे हैं। वैसे मेरे को तो गर्मी हो रही है भाई, क्योंकि काम करके आया, और ये जो है कि अभी अभी उठ के आया है। अभी तक सूरज भाई नहीं आया, सिर्फ हरी भाई आया है। हमें बोलेरो चाहिए, ट्रैक्टर नहीं। जो है कि भाई मैं यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन मैं उसको खाली करने वाला नहीं हूँ। मैं जो है कि सिर्फ रस्सी खोल दूंगा और ऐसे ही छोड़ दूंगा उसको। 1 घंटा हो गया तब से मैंने कॉल किया, भाई धूप हो रहा है, जल्दी आ जा, हमें टाइम होगा। भाई जो है 6 बजे उठा, फिर मिल्किंग किया, फिर गया पत्ती भरने के लिए। मैंने बोला था उसको 5 बजे उठ जा, जल्दी जाना है आज। चलो दोस्तों, तो अभी जो है कि फाइनली बोलेरो जो है कि सुरेश भाई लेके आ गया है। अभी फटाफट से चलते हैं, अपनी प्याज की जो पत्ती है उसको भर के आते हैं। टैनी टैनी ने भी अभी तक बच्चा नहीं दिया। और देखो दोनों अंदर फंस गए। अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ, रुक जाओ। अबे रुको, अबे यार रुक जाओ। ठीक है, जो है कि कांच बंद था और सीधे अंदर घुस गई थी। पहली बार जो है कि मैं महेश भाई और बा भरने के लिए जा रहा हूँ। ये देखो फाटक जो है कि बंद है भाई। चलो फाइनली जो है कि खेत में पहुंच गए हैं। ये रहा खेत, इसमें जो है कि प्याज है, ऊपर जो है कि पत्ते डाली है, 1, 2, 3, 4, ये पूरा प्याज जो है कि इकट्ठा करके रखा है इन्होंने। बाकी पत्ती भरनी है, पत्ती इतनी नहीं है, बहुत सारी पत्ती तो जो है कि प्याज के ऊपर डाल दी है। अभी जब ये प्याज सेल करेंगे तभी ये पत्ती बोलेंगे लेके जाओ किसान भाई। चलो अभी फटाफट से भर लेते हैं। चलो दोस्तों अभी जो है कि पानी पी के आते हैं। पानी किधर है? ना चलो ना फिर मोटर चालू करके दो। चलो खास नेपाल से है, बहुत दिनों से हमारा दोनों का प्लान है कि हम दोनों साथ में नेपाल घूमने जाएं। कब जाना है? हम मई महीने में जाएंगे। मई महीने में मेरे को लेके जाएंगे ना माँ? लेके जाएंगे ना माँ। मैं जाने वाला हूँ नेपाल, देखने लायक है उधर है बहुत सारा, मजा आता है। 14 नदी है, 75 जिला है, डोंगर है। हाँ डोंगर है, 14 नदी और 75 जिला है, क्या बात है। काठमांडू 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 जाएंगे। इस झूले में ऐसा बैठने का, देखो ऐसा, ओह
झूला झूलना है, झूला झूलना है। नहीं बैठ, इसमें मजा ही नहीं। मजा आएंगे, बैठ। और देख सीधा उधर जाके ठोक देंगे नहीं तो। अरे मजा ले रहा भाई ये तो। चल उतर जल्दी, गाड़ी भरनी है। चलो पानी पी लिया है, अभी जो है गाड़ी भरनी है। आधे से ऊपर नहीं, आधे से कम है, फटाफट से भर लेते हैं। पकड़ डाल दे। चलो तो फाइनली दोस्तों गाड़ी जो है उसको भर लिया है, अभी चलते हैं घर पे। चलो तो फिलहाल जो है कि दोस्तों ये वाली जो अपने प्याज की पत्ती जो है कि यहाँ पे खाली करनी है, ये सिर्फ जो है कि हम छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना उनके लिए लेके आए हैं, सिर्फ इनके लिए लेके आए हैं ताकि 10-15 दिन आराम से खाएं, क्योंकि भूसा जो है वो हो गया ऑलमोस्ट ख़त्म। आराम से सब खड़े हैं। हमारी एक गाय जो है कि बच्चा देने वाली थी, घर पे आज कोई नहीं था। सुरेश भाई, हरी भाई दोनों गए मार्केट, पहले जाके मैं उनको उससे देख लूँ कहाँ पे है। सामने वो बछड़ी बैठ गए हैं लेकिन अभी तक उसने बच्चा नहीं दिया है। मुझे लगता है शाम तक जो है कि आज वो बच्चा दे देंगी, देखते हैं अभी कब तक देती। बाकी जो है कि सब पत्ते वगैरह खा रहे हैं, अभी खाना भी ना खा के जो है कि भाई वो वाली गाड़ी जो है उसे खाली करके ओबट मामा के घर पे जाके छोड़ देंगे, नहीं तो सुरेश भाई लेके जाएंगे। बस भाई खाना भी ना खा के गाड़ी खाली कर दो। चलो अभी चलो फटाफट से इसको पहले खाली कर देते हैं। महेश भाई बोल रहा है ये खुल नहीं रहा है, अभी कैसे खुलेंगे उसके लिए ये खुलना पड़ता है। महेश भाई दिमाग कहाँ है भाई तेरा, उसके लिए पहले इसको निकालना पड़ता है तब जाके खुलेगा। महेश भाई ने जो है कि सिर्फ ये निकाल दिया, इसको ऐसे रहने दिया, कैसे निकलेगा ये देखो। यहाँ देखो भाई क्या हो गया। चलो भाई फिलहाल जो है कि भाई नहा धो के हो गया हूँ रेडी। महेश भाई जो है कि यहाँ पे कर रहा है बोलेरो खाली, पूरा यहाँ पे इकट्ठा करना है, आज इधर उधर मत डाल। ये देख आराम से। अभी जो है कि दोस्तों मैं खाना बिना खा के आता हूँ, फिर जो है कि महेश भाई को खाली करवाने में हेल्प करेंगे। वारा के अंदर भी छांव बनानी है, लेकिन अब दोस्तों पोपट मामा आने के बाद जो है कि महेश भाई ने गाड़ी जो है पूरी कर दी है खाली, अभी गाड़ी जो है उससे आगे ले लेते हैं। चलो अभी लॉक हो गई। महेश भाई का ऐसा काम है कि अगर काम करने पर उतर गए अभी तो बहुत काम करते हैं। इतने में उसने गाड़ी खाली कर दी थी। भाई जी बकरू ने थे ना गाड़ी बैठे, बकरियों का ध्यान रखना पड़ता है। उस दिन हरी भाई ने अपने लालू पे भी ट्रैक्टर चढ़ा दिया और एक अपनी छोटी गुड्डी है उस पर भी, तो बकरियों का ध्यान रखना पड़ता है। गाड़ी जो है इधर लेके आ गया, सब गए उठ के आ गई। अबे उसमें कुछ नहीं है यार, चलो भागो। और दोस्तों आज का मौसम भी एकदम जबरदस्त है, क्योंकि आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, धूप बिल्कुल नहीं, मजा आ रहा है। इसमें वो गाय बच्चा देने वाली, वो गाय कहाँ पे? हाँ वो दी रही। बच्चा अभी तक नहीं दिया? नहीं। टमाटर उसके लिए थोड़ा निकाल लें साइड को, जर्सी के लिए। हेलो, तो फाइनली जो है कि दोस्तों अभी तक जो है कि भाई अपने इस वाली गाय ने जो है कि बच्चा नहीं दिया है। आज जो है कि भाई दोपहर से मैंने इधर लाके बांध दिया है, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं दिया है। अभी देखते हैं, रात में तो 100% मुझे लग रहा है कि भाई ये बच्चा दे देंगी, लेकिन अभी जो है कि मेरे को उसके पास भी नहीं जाने दे रही। अबे तू बाजू को, बाजू को, बाजू को हट घोड़े। चलो तो अभी फटाफट से गाय जो है उन्हें बांध देते हैं। अब ज्यादा दिन जो है कि अपनी काबरी नहीं लेंगे, काबरी जो है कि बहुत जल्दी बच्चा दे देंगे। इसकी जो है ना कन्फर्म डेट ही नहीं मेरे को पता है दोस्तों,